कुरान, मोहम्मद और मुसलमानों का इतिहास, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ऐ अल्लाह, मैं खुद तेरा बंदा हूँ, मेरा बाप भी तेरा अदना गुलाम, मेरी माँ तेरी अदना कनीज। यति नरसिम्हानंद नाम का एक आतंकवादी पहले एग्जिस्ट करता था, अभी उसका कोई नामो निशान नहीं है, कहीं सुर्खियों में हमें वो दिखाई नहीं देता है। इस्लाम की बहुत मुखालिफत उसने करी है अपनी जिंदगी में, पर क्या पता उसे भी हिदायत मिल गई हो। फिलहाल तो हम परेश रावल, जो एक अभिनेता है, उनको हिदायत मिलता देखेंगे, उनके स्टेटमेंट से तो ऐसा ही जाहिर होता है। हे हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारा मुल्क, हमारा वतन महान है, जहाँ पर अपने आप को हिंदू क्लेम करने वाला ये आतंकवादी इस्लाम के और अल्लाह सुबहान व तआला के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, उनके खिलाफ बेहुरमती करता दिखाई देता है। तो वहीं पर वाकई में हिंदू समाज से बिलोंग करने वाले एक अभिनेता परेश रावल जी इस्लाम को, मुसलमानों को सपोर्ट करता दिखाई देते हैं। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं या इन लोग की क्या बहस हुई है, ये तो हमने नहीं देखा, पर हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि सच्चा दीन इस्लाम बड़ा प्यारा है, हमारे दिल के करीब है। और आज हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब को भी सुनेंगे, उनकी एक ऐसी तकरीर सुनेंगे जिससे हमें सब कुछ मिल जाएगा, एक ऐसी दुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब की, जिसे सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से ज़िंदगी बदल जाने वाली है। तो देरी किस बात की है, एक बार वीडियो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारी तफसीली गुफ्तगू प्यार भरी मोहब्बत नुमा जारी रखेंगे। कितने दिनों से लोग मुझे मारने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं, आपके कर्मी जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैं नरसिंहानंद को मारना चाहता हूँ, तो उनसे कहो कि वो भी ऐसे विवादित बयान देके अपने आप को बनाते हैं नरसिंहानंद से बड़ा। हमने कोई मना कर रखा है? इस्लाम के खिलाफ बोलना भी इस देश में बहुत बड़ी बात है। हम तो इस्लाम से लड़ रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे, इस्लाम से लड़ रहे हैं। अच्छा, आखिर सर मुसलमानों से एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है, मेन बड़ी प्रॉब्लम? कुरान, मोहम्मद और मुसलमानों का इतिहास, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वो ही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए। तब जाकर होता क्या, किसी के हाथ में जब ये बात बहकती है जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है यार, ये बड़ा दुर्भाग्य कि मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई ये बार बार नहीं कहते, लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ, तो भी हम लोग साथ में मिलके किया जी। इतनी इतनी बड़ी तादाद में, और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम, ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी, मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो बहका दिया। तो ऐसा कैसे, क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेजों का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने खुला कहा था कि मुसलमान को माइनॉरिटी का लेबल क्यों देते, मुसलमान माइनॉरिटी कहां से, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का लेबल जो देते हो वीकनेस है, अनवॉरंटेड है, ये इसकी जरूरत नहीं है। सब साथ में कंधे से, अच्छा जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी, फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है, तो माइनॉरिटी कहां से आ गए? आज से पहले मैं इस दुआ की असल अजमत को उतना नहीं समझ पाया था जितना आज समझा। ये जो अजीम दुआ है जिसमें इतनी लजाजत, इतनी ह्यूमिलिटी हुजूर ने इख्तियार की है, जिससे आगा के सवाल नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका, ऐ अल्लाह मैं खुद तेरा बंदा हूं, मेरा बाप भी तेरा अदना गुलाम, मेरी माँ तेरी अदना कनीज, फी कब्जते का, मेरा पूरा वजूद तेरे कब्जे कुदरत में है, तेरे ही इख्तियार में है, फी कब्जते का माज़िन फिया हुक्मों का, मेरे पूरे वजूद में तेरा ही हुक्म जारी और सारी है, अदल फिया कज़ाओ, और जो फैसला भी तो मेरे बारे में करे, जो भी करे वो अदल है, इंसाफ है, कि हर चिसाकी मारे खैर अल्ताफ,
मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, जिधर चाहे मोड़ दे। ये जो अपनी नफी है, नफी उस एतबार से भी अपनी अनानियत की नफी, इन्नी अब्दो का वबनो अब्दे का वबनो अमते का, फिर अपने वजूद की नफी, अपनी मर्जी की नफी, अपने इख्तियार की नफी, फी कब्जते का माजिन फिया हुक्मों का नासियती बेयदे का अदलुन फिया कदाओं का, फिर देखिए वास्ता वो दिया है जिससे ऊंचा वास्ता मुमकिन नहीं। असालों का बेकुल इसमिन हो अलग, कुरान मजीद में आया ना, फदू हो बेहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदू हो बेहा, अच्छे नाम अल्लाह के हैं उसको पुकारा करो उन नामों के हवाले से। अब नाम कहां से जमा करें सारे एक में, असअलों का बेकुल इसमिन हो अलग, जो भी तेरे नाम है, सम्मैता बेही नफसक जिनसे तूने खुद अपने आप को मासूम किया, और अल्लमतहु अहदा मिन खल्किक या तूने अपनी मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया, और अंजलतहु फी किताबिक या वो नाम तूने अपनी किसी किताब में नाजिल किया, अब इस तासर तबही फी मकनूनिल गैब इंदक या उसको तूने खुद अपने खजाना गैब में महफूज रखा हुआ है, तेरे वो नाम भी हैं जो तूने किसी को अभी सिखाए ही नहीं, तूने अपनी किताब में किसी में नाजिल ही नहीं किए, वो तो तेरे खास खजाना खजाने के अंदर वो अभी दुर्रे मकनून है, वो अभी तेरे पास मौजूद है, ये इससे बड़ा अब वास्ता क्या होगा, मांगा क्या है, जरा गौर कीजिए। अंत जाल कुरान रबी कलबी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी, इस्तेदा मैं ये कर रहा हूं परवरदिगार इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे दिल का नूर बना दे, नूर सदरी अंत जाल कुरान रबी कलबी मेरे दिल की बहार व नूर सदरी मेरे सीने का नूर, बजला हुज़्नी ये हुज़्न जो जिससे कि मोहम्मद दो चार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो कैफियत जो है कब्ज़ की, इसको दूर करने का जरिया बना दे इस कुरान को, जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी और मेरे हुमूम मेरे तफक्कुरात मेरे गमों को दूर करने का जरिया बना दे। ये अजीम दुआ आज सूरतुद्दुहा पर गौर व फिक्र करते हुए, वैसे तो मैं तकरीबन 30 बरस से इस दुआ का मुबल्लिग़ हूँ, इसलिए कि जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था लाहौर में जो तकरीरें की थी मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक के नाम से जो शाया शुदा है, उस पंफलेट के आखिर में मैंने ये दुआ दर्ज की है। ये असल में कुछ मुख्तलिफ अहादीस में टुकड़े आए हैं, कहीं कोई एक टुकड़ा कम है कहीं दूसरा कम है, मैंने बड़ी तहकीक करके तमाम रिवायतों को जमा करके फिर इसको मुरतब किया है, और वो बड़ी खूबसूरत मैंने उसकी सेटिंग की है, और वो उस किताबचे के आखिर में है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वबनु अब्दिक वबनु अमतिक फी कब्ज़तिक नासियती बियदिक माज़िन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ्सक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक औ अंज़ल्तहु फी किताबिक अव इस्तअ'सरता बिही फी मकनूनिल ग़ैब इंदक अन तज़अलल क़ुरआना रबी क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व ग़म्मी। ये वो कैफियत है, और वो कुरान जो इस कैफियत में सबसे ज्यादा पुर तासीर है वो ये कुरान है, इन दो सूरतों पर मुश्तमिल कुरान, सूरतुद्दुहा सूरतुल्इंशिराह। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु ख़ैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअ्तीका रब्बुका फ़तर्ज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ढाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। ओह गॉड, मैं ये वाली जो आयत है इसको आई एम गोइंग टू मेमोराइज इट, आई प्रोमिस इट टू माई सेल्फ कि मैं ये वीडियो री वॉच करके इस आयत को नोट डाउन करने वाली हूँ और याद करूँगी। एक बात मुझे मुफ्ती साहब की मौलाना जी की बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा अल्लाह ही करेगा सब कुछ ना, अल्लाह की ही बनाई हुई पूरी कायनात है, मांगना है उसी से मांगो, उसके अलावा किसी और से नहीं, और वो देता भी है क्योंकि वही तो दान दातार है असली। और हाँ, जैसा कि परेश रावल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, अभी बीजेपी उसको हाइट्स पे ले गई है, वो जो 1 था वो अब 100 हो चुका है, और अभी भी मुल्क में ये हालात भी हैं कि जो हिंदू मुसलमान एक साथ रहना चाहते हैं वो रह रहे हैं, अपने
फेस्टिवल साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब हम लोग को ही देख लीजिए, जब भी हमारी दीपावली आती है तो सबीना मेरे घर पे आकर दीप प्रज्वलन जरूर से करती है, और रमजान के महीने में मैं भी रोजा उसके साथ रखती हूँ। और ये कोई सिंगुलर एग्जाम्पल नहीं है, देश में जगह जगह पर ऐसा ही होता है। पर यती नरसिम्हानंद जैसे आतंकवादी ये होने नहीं देना चाहते, प्यार को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं कुछ सेल्फिश निजी स्वार्थ के कारण। खैर उसकी सोच, उसी को मुबारक। अब वो कहीं दिखाई नहीं देता है, कोई उसका इंटरव्यू नहीं लेता है, एंड थैंकफुली ही गेट्स नो अटेंशन नाउ। अटेंशन पता है कौन डिजर्व करता है? डॉक्टर इसरार अहमद साहब जैसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर, या फिर प्यार फैलाने वाला ये जो एक समारोह कंडक्ट हुआ परेश रावल साहब ने, जिसके अंदर पॉजिटिव कमेंट्स करे, उधर हमको आकर्षित होना चाहिए, ना कि हेट्रेड की तरफ। चाहे आप मुसलमान भी हो, पर कोई अगर हिंदुओं के लिए गलत बोले, उल्टा सीधा बोले, तो उसको कभी सपोर्ट मत करना दोस्त, क्योंकि रसूल अल्लाह बहुत मोहब्बत करते थे नॉन मुस्लिम्स से भी, उतनी ही जितनी मुसलमानों से करते थे। क्योंकि हम सब ना आफ्टर ऑल इंसान हैं, हमको बनाया उस एक ही अल्लाह ने है। कोई भगवान कह देता है तो कोई अल्लाह ताला कह देता है, पर है वो एक ही सुपर पावर, वो अल्टीमेट शक्ति जिनको हम नमन कर सकते हैं, और उन्हीं को कर सकते हैं, बस सजदा उन्हीं के आगे कर सकते हैं, और बिल्कुल करते भी हैं। इबादत करनी भी चाहिए, 5 वक्त फर्ज होता है। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं कि हम सब एकजुटता से, प्यार मोहब्बत से एक साथ होकर रहें और खुश रहें। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।